ओके गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और मैं थैंक यू कहना चाह रहा हूँ ऑल माय व्यूवर्स जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अभी तक जो भी मैंने रिव्यू डाला हूँ, पोस्ट जो भी अपने इस चैनल पर, बहुत लोगों का सपोर्ट मिला है और बहुत लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, उसके लिए थैंक यू गाइस। आज मैं एक आइटम फ्लिपकार्ट से मंगाया, वो नॉर्मली वो ऑर्गेनिक आंवला मुरब्बा इस कॉल्ड, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया हूँ। तो सोचा क्यों ना इसको रिव्यू करके आपको इसके बारे में कुछ बताऊँ। और ऐसे भी आपको मालूम है कि अभी आंवला जो स्पेशली विटामिन सी का जो सोर्सेज है बहुत ज़्यादा इसमें रहता है, तो हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आइटम है। और इसका इम्यूनिटीज आपका पावर जो है वो सब होगा। सो आजकल इश्यूज चल रहे हैं कोरोना, आपको मालूम है कितने सीवियर कंडीशन है इंडिया में कोरोना को लेके। क्योंकि मैं हर बार अपने जो चैनल पर जब भी मैं रिव्यू किया, हर बार मैं रिक्वेस्ट किया सभी से कि आप मास्क पहने, सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को, 2 गज की दूरी बना के रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में ना जाए। मुझे ये नहीं मालूम कि कितने लोग मेरे इस एडवाइस को फॉलो किए हैं और क्या किए, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जो मेरे व्यूवर्स थे, जो मेरे चैनल्स को देख रहे थे, वो ज़रूर फॉलो किए होंगे और होप्स हो कि वो अच्छे से होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस, चलिए मैं इसको रिव्यू करता हूँ। इसको खोलने से पहले मैं अपने हाथ को सैनिटाइज कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं पैकेट जब रिसीव किया तो इसको प्रॉपर सैनिटाइज किया और वॉश भी कर दिया था। सो नाउ मैं इसको खोलने जा रहा हूँ और चेक करता हूँ कैसा है ये ऑर्गेनिक मुरब्बा। ओके, और मैं इसको ओपन किया, ये आपका फ्लिपकार्ट है, ये आपको मालूम है आपके फ्लिपकार्ट है, और ये मेरे आइटम्स हैं, इसके डिटेल है। नॉर्मली ये लिस्टिंग जो प्राइस है इसके फ्लिपकार्ट पर वो 599 है, और फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है 380 पर। सो और इसमें कैश ऑन डिलीवरी है, मतलब COD अवेलेबल है। तो मैं इसको खोल रहा हूँ और इसको रिव्यू करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आंवला मुरब्बा है जो मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से कैसा है। गाइस, ये ड्राई आंवला मुरब्बा, ये आप देख रहे हैं, ये ड्राई आंवला मुरब्बा है। और इसको क्या बोलूं, ये आइटम कुछ और दिखाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें है नहीं। बादाम तो है नहीं, करौंदा नहीं है इसमें, नेचुरल डाइट मदर मेड लिखा है। मैं इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत चीज़ें एक्चुअली डिस्प्ले में दिखाया गया है, वो चीज़ें दिख नहीं रही, सिर्फ बादाम मुझे इसमें दिख रहा है। आंवला तो है ही है, बादाम दिख रहा है इसमें, रेड करौंदा मतलब जिसको चेरी कहते हैं वो भी मेंशन किया था, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। और कुछ सीड भी बताए थे इन्होंने अपने डिस्प्ले में, शायद 1-2 सीड दिख रहे हैं, लेकिन करौंदा मुझे नहीं दिखा है। जो फर्स्ट लुक है, जो आइटम है, उसमें वो चीज़ें नहीं दिखी। फिर भी मैं ओपन करता हूँ, देखता हूँ गाइस इसका ये कैसा है, मुझे तो पता नहीं। मैं इसको ओपन भी कर रहा हूँ। ओके, मैं इसको ओपन किया, देखता हूँ कैसा
गाइस मैं इसको ओपन तो कर लिया हूँ और मुझे वो चीज़ जो आइटम स्पेशली जो फ्लिपकार्ट ने डिस्प्ले में मेंशन किया था, जो इन्होंने दिखाया था, इसमें दो तीन आइटम उन्होंने मेंशन किया था कि आंवले साथ वो रेड वो चेरी जो उसमें डालिंग होना चाहिए वो नहीं है। फर्स्ट थिंग बादाम बोले तो वो है, और सीड बोले थे वो डाले हुए हैं, वो रेड करौंदा जो है वो नहीं डाले हैं। तो शायद मैं कह सकता हूँ डिस्प्ले जो बताया गया वो चीज़ें इसमें नहीं है। फिर भी मुझे मेरा जो मोटो था आंवला लेना, वो आंवला है और देखने में तो अच्छा लग रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ एग्जैक्टली वो फ्लेवर है कि नहीं खाने, वाकई जो मेरा मोटो है खाने का, जो जिस ऑब्जेक्टिव मेरा जो मेरा मोटो था लेने का ऑब्जेक्टिव जो था वो मेरा फुलफिल होता है कि नहीं, मेन चीज़ वो है। तो मैं इसको चेक करता हूँ। गाइस मैं गलती कर दिया हूँ, मैं स्पून नहीं दिया हूँ, मैं अभी स्पून लेता हूँ और फिर देन मैं इसको चेक करता हूँ आपको और बताता हूँ। ठीक है गाइस, मुझे 2 मिनट टाइम दें, मैं इसको चेक करता हूँ और बताता हूँ।